हाय फ्रेंड्स, मॉर्निंग ब्यूटी विद अरुजीता में आप सबका बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कल बहुत बिजी शेड्यूल था तो इस वजह से कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई थी। नवरात्रियों में काम बहुत सारा होता है, मंदिर की सफाई, शॉपिंग, तो इस वजह से आज ये वीडियो जा रही है। कल शाम को हम लोग दून लिटरेचर फेस्टिवल देखने गए थे, तो चलिए दिखाते हैं वहाँ क्या माहौल था। ये 3 दिन का प्रोग्राम था, हयात रेजिडेंसी में इसकी ओपनिंग रखी गई थी और ये नेचर के बीच में बना हुआ है बिल्कुल। बाकी इसकी नेचुरल ब्यूटी तो आप खुद ही देख सकते हैं। इसकी शुरुआत पेंटिंग गैलरी से हुई और आप देख सकते हैं इसमें कितने सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं, सब तरह के एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, लैंडस्केप, स्टिल लाइट, सारी तरह की पेंटिंग्स थी। और पेंटिंग्स देखने के बाद हम लोग आगे बढ़े मेन प्रोग्राम की तरफ, तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको मेन प्रोग्राम में हम किससे मिलने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मंच पे फिल्म अभिनेता तुषार कपूर हैं, जो अभी नए नए लेखक बने हैं। उन्होंने अपनी बुक लिखी है बैचलर डैड, उसी के बारे में वो यहाँ बात कर रहे हैं। तुषार कपूर के साथ ही यहाँ पर पद्मश्री लोक गायिका मालिनी अवस्थी जी भी आई हुई थी, इनके बारे में भी बातचीत हुई। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल। Can we have a bit of music more before we introduce Malini or Sandy? Everybody, such a legacy sitting right in front of us. From the roots, folk music. The music that belongs to Hamad Kharawar here. Hamad was Sandeep, the main co-player. And what she told me to us for what is happening to this event. Guys, can we have a standing ovation for Padmashree? Thank you. Ma'am, we are discussing folk music. Ma'am, what is folk music? Kahan kho gaya hai hamara sang? सबसे पहले तो वेरी वॉर्म गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड हेलो देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल।
वेरी हैप्पी टू बी। आपने पूछा कि कहाँ खो गया है, खोया कहीं नहीं है। फोक का मतलब यही है कि हम जो जीते हैं, जो हमारे परिवेश में हमारे आसपास घट रहा है, हम उसे जो महसूस करते हैं जिन शब्दों में उसको बयां करते हैं, वो फोक है। और फोक मतलब सिर्फ गाना नहीं है, फोक कैन बी अ हैबिट, इट कैन बी अ कल्चर, इट कैन बी अ फोक टे, इट इज अ पार्ट ऑफ अ ट्रेडिशन कस्टम। जो भी बहुत अरसे के बाद एक आदत के रूप में शुमार हो जाए और सोसाइटी उसको, समाज एक्सेप्ट कर ले एज समथिंग दैट दे वांट टू पार्ट विद द यंगर जनरेशन, दैट बिकम्स फोक। आज की पीढ़ी में अनफॉर्चुनेटली भारतवर्ष, हम लोग ऐसे तो बहुत देख, कह लीजिए सोशली बहुत हमारी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, लेकिन ज्वाइंट फैमिली सिस्टम टूटा है, न्यूक्लियर फैमिलीज बड़ी हैं, छोटे परिवार हो गए हैं, सब वर्किंग है, जो कि आज की जरूरत भी है। वहां पर ओरल ट्रेडिशन से जो नॉलेज आती थी वो लेने का अपना वक्त है,